तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज 23 तारीख और आज हमारा ओप्पो का K3 फ़ोन लॉन्च होने वाला था चाइना में। तो गाइस इसके वैसे भी काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर निकल के आ चुके हैं, इसका Geekbench स्कोर भी आ चुका है। तो गाइस वीडियो को पूरी देखो और वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको पूरा इसमें समझ आ पाएगा। तो गाइस पहले तो मैं इसको बता दूँ कि ये फ़ोन आपको बुक चार्ज 3.0 के साथ मिलेगा और इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है 3700 mAh की। तो गाइज यहाँ पे ठीक ठाक ही आपका ये बैटरी बैकअप दे देती है और यहाँ पे अब आपको मिल जाता है इसका 3D बैक ग्रेडिएंट फिनिश। तो बैक में कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इसको इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और जैसा कि हम बात करते हैं फ्रंट और बैक कैमरा की, तो फ्रंट में आपको मिल जाता है, फ्रंट में आपको कोई भी 48 मेगापिक्सल का बैक फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है। आपको इसमें मिलेगा 16 MP की कैम, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और बैक में आपको मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। और हम बात करते हैं इसके चिप सेट की, तो गाइस इसमें मिल जाएगा आपको 710 का पावरफुल क्वालकॉम 710 चिप सेट और ये आएगा कलर ओएस 6 बेस्ड और लेटेस्ट एंड्रॉयड 5 पे। और इसमें हाइपर बूस्ट भी आपको मिल जाएगा। और जैसा कि हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो गाइस ये आपको इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन और बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिशिंग मिल जाएगी जिसमें आपको 3D ग्रेडिएंट बैक मिल जाएगा। और राइजिंग कैमरा आपको मिलेगा आपको पता ही है और इसमें बुक चार्ज 3.0 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा जो आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। और गाइस जैसे कि आप सब जानते हो कि रियलमी X लॉन्च होने वाला है और ये रियलमी X की ही टोटल कॉपी है। वैसे रियलमी और ओप्पो अलग अलग हो चुके हैं, सेपरेट ब्रांड हो चुके हैं, बट अभी भी ओप्पो और रियलमी एक जैसे फ़ोन निकाल रहे हैं। तो गाइस एक बात और, इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आपका फ़ोन कुछ ही मिनटों में चार्ज हो जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते ही हो रियलमी और ओप्पो अलग हो चुके हैं बट अभी भी ये एक जैसे फ़ोन निकाल लें, तो आगे चल के भी ऐसा होने वाला है ना। तो अभी भी क्योंकि अगर जब तक वो रियलमी अलग OS नहीं निकाल लेता तब तक रियलमी और ओप्पो के फ़ोन ऐसे ही होते रहेंगे। और ये आपको रियलमी की तरह ही कलर ओएस 6 पे मिल जाएगा बट रियलमी की थीम अलग है और कलर ओएस की थीम अलग है। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ना मत जाना ताकि मैं चैनल से लेटेस्ट वीडियो सबसे जल्दी पहुंच पाए। तो बाय, सी द नेक्स्ट वीडियो।